और बात उन लोगों के साथ की जाती है जिनके पास इख्तियार हो। राणा साहब मैं उसकी पार्टी पे भी तरस आता है ना कि ये बेचारे तो अपने मियाँ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बना सकते क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को वो काबिल कबूल न था। तो इख्तियार बात उससे की जाती है जिसके पास इख्तियार हो। वो तो आप पहले भी कह रहे थे सर, पर साथ साथ आप तनकीद भी करते थे, फिर आप जमहूरियत की भी बात करते हैं। हम एक लाइन में बोलना चाहूंगा, इनकी जमहूरी हुकूमत में 32 बिल भी आधे घंटे में पास हुए, तो ये उससे तो 32 गुना कम आप इंटेंसिटी के साथ इनकी भी जमहूरी हुकूमत की बात कर रहे हैं। इनकी जमहूरी हुकूमत में जो है वो उससे तो 30 गुना कम इंटेंसिटी के साथ की जमहूरी हुकूमत, क्या आपकी जमहूरी नहीं? हमारी भी जमहूरी, मैं तो इनकी जमहूरी हुकूमत की बात कर रहा था। ऐसे आप दोनों की जमहूरियत एक ही है, इसलिए तो हम ये भुगत रहे ना, हम देखिए इसलिए भुगत रहे। लेकिन आप लोग तो तीसरी बार मेरा ख्याल है जब से है मुसलसल में आप लोग रहे, तो आपने तो कुछ सीखना था, ज्यादा सीखना था, और आप हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए उतारा था कि हम निकम्मे हैं, ना अहल है, हम डिलीवर नहीं कर रहे, महंगाई है, और आप लोगों को लेके आए थे कि यार ये जमहूरी लोग है, ये जो है काबिल फाजिल लोग है, ये मईशत को भी चलाएंगे, जमहूरियत को भी चलाएंगे, मुल्क को भी चलाएंगे। तो आप में और हम में तो कुछ फर्क होना चाहिए था ना। और बाकी ये नहीं है कि हम पहले दिन बिल्कुल तनकीद करते, जो गलत काम करते हैं उस पर तनकीद करते हैं। तो हमें ये नहीं है कि आप भी इनकी तरह दूसरी या तीसरी दफे के बाद भी नहीं सीखेंगे। हम तो हम जैसे लोग 11 साल तो KPK में इनको हो गए। देखें और सर, हम जमहूरियत जमहूरियत सिर्फ यूसी सेंटर का इशू है, जमहूरियत किसी सूबे में इशू नहीं होता। लेकिन हम अच्छी तरीके से इनको समझ गए कि इनका क्या एजेंडा है, और वो नहीं हम कामयाब होने देंगे। इनका एजेंडा भी जमहूरियत के खिलाफ है। इनका एजेंडा है कि ऑपोजिशन और हुकूमत मुल्की मफाद में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, ये इनका एजेंडा। इनका ये हुकूमत है और हमारा एजेंडा आवाम को पता है, इसलिए हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी जो है बात सुनते हैं, हम पे हमारी बयानियां बिकती, आप लोगों की नहीं बिकती। और वो आपके मिनिस्टर साहबान ने पहले कहा था कि हमने इसको इसलिए उतारा था कि सारे हमें जो सारे जेल में डालना था इन लोगों की करप्शन की वजह से। तो आपने इस नहीं कि अवाम के इश्क में किया नहीं हमारी की, क्योंकि अपने मसले थे आप लोगों के, तो हमारा बयानियां लोग सुनते हैं, अवाम हमारे साथ है, इसीलिए हमको जतवाया आपको हरवाया। अलग बात है कि आपको बाजौड़ में मैं बता दूं, ये मेरा ख्याल है हमारे लिए परेशानी की बात है, और इसको इदारों को भी सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए। अगर हमारे इदारे में एक इंडिविजुअल के साथ इशू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इदारों का नुकसान करूं या एक मुल्क का नुकसान करूं। बाजौड़ में इशू ये था कि जहाँ पर जो ANP का कैंडिडेट था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करता और लोग उसको सुनते, तो आप क्यों नहीं कर रहे थे? आपका तो सारा मैं यही कह रहा हूँ। अगर हम ये मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये PTI का वोट, अगर हमें KP पंजाब में, मुझे नहीं पता पंजाब का, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, लेकिन KP में सिर्फ हमें इसलिए वोट नहीं मिला कि इमरान खान की वजह से, मैं ये बावजूद इसके कि मेरा ताल्लुक PTI से, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट हमें मिला। और ये बात खतरनाक है कि लोग क्यों आपसे इतने दूर भाग जा रहे, लोग आपसे क्यों नाराज है। तो एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना है, इस मुल्क के इदारों को भी देखना, और हम सब ने भी देखना, उससे सीखना है।